वोट देने का किस तरह से मतलब क्या आप अपने शब्दों में कुछ बताएं। सभी मतदाता बंधु से अनुरोध है इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना भागीदारी अवश्य दे जी। और आपका आएगा का मत आपके लिए हमेशा से काम आएगा, क्योंकि आप एक सुयोग्य सरकार को चुनेंगे, आप एक सुयोग्य प्रतिनिधि को चुनेंगे, क्योंकि आपका प्रतिनिधि आपके लिए काम करने के लिए रहेगा। अगर जिस प्रतिनिधि को आप चुनने का काम करेंगे वो प्रतिनिधि आपके लिए काम करेगा। अगर जब आप मत नहीं दीजिएगा तो फिर आपको प्रतिनिधि पे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मतदान करते हैं सामुदायिक भवन बनवाया, आपको क्या खुशी हो रही है और उससे क्या फायदा होने वाला है हमारे जनता को बताएं। नगर पंचायत घोषित होने के बाद सबसे पहले तो कचरा का उठाव शुरू हो गया है जी। अभी चुनाव नहीं हो रहा है, नगर निगम के माध्यम से हो रहा है जी। और आने वाले समय में जब भरवारा नगर पंचायत गठित होगा तो सबसे पहले मैं कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना सोचा हूँ। साथ ही वर्षों से पुराना अपने जनता के लिए क्या सोचा, अब क्या क्या करेंगे जनता के लिए? मैं हर संभव जी, मैं हमेशा तैयार रहूंगा जी। मैं बगल पड़ोसिया हूँ जी और मैं हमेशा घर पर रहने वाला हूँ जी। जब वो खोजेंगे मुझे मैं घर पर मिलूंगा जी। और जहाँ तक मुझे सहयोग होगा मैं आम जनता हो जी, हाँ मैं इनका सहयोग करूंगा जी। और हमसे न हो पाने पर मैं इनके आगे का रास्ता दिखाऊंगा। मैं 8 वार्ड के जनता से, मैं पूरे गांव से अभी बंधन अभिनंदन नहीं करता जी, जी। लेकिन मैं 8 वार्ड के जनता मालिक में अगर चाहा जी, अगर जीत का माला हमने पहना दिए तो मैं 24 मैं नहीं, मेरी पत्नी रेखा कुमारी जिस महिला को आपने उम्मीदवार बनाया है उस उम्मीदवार आपके साथ कदम में कदम मिलाकर 24 आवर्स चलने का काम वो करेगी। ये मेरा वादा है, इस वादा से मैं वचन से खाली नहीं। हाय फ्रेंड्स, आई एम आनंद अग्रवाल, वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस टॉक्स। दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो मेरा जो मोटिव है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और लोगों का प्यार और गांव का जो सम्मान ज्यादातर नहीं सारे लोग गरीब झा के नाम से मुझे जानते हैं सर। और मैं इस गांव में बहुत दिनों से सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ सर। पिछली 2 चुनाव भी लड़ चुका हूँ जिसमें मैं 3 वोट से हार गया था, शायद मुझमें कुछ कमी दिखी हो उसके लिए है ना। आगे हमारा प्रयास रहा है और अच्छे गुणवत्ता के लिए अच्छे लोगों को चुनना समाज का काम है, उसमें जो बेहतर लगा लोगों को उनको चुना, उनके द्वारा की गई कार्य को बारे में कुछ परिचय दे। आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार, अभी मैं मुख्य पार्षद प्रत्याशी भरवारा से, नगर पंचायत भरवारा से जी सर। और सर सबसे पहले सर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी आपका सब कुछ देखा हूँ, जो आपका सोच है ना सर बहुत आगे तक जाएगा। आप अगर उस सोच पे अगर आप अगर उतर गए तब, क्योंकि हमारा जो गांव समाज है ना क्या है कि किसी को देख करके ही कुछ सीखते हैं। आज हमारा ये जो वीडियो बनाने का सर मतलब है कि आपके विचार हो यहाँ रहते उनका काम हो, हर तरह का उनको सुख सुविधा मिले जी। मैं ये कोशिश करेंगे और वार्ड और पूरे पंचायत पे कोशिश करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट होंगे जो जीत के आएंगे सब मिल करके कोशिश करेंगे कि जितना से जितना विकास हो भरवारा नगर पंचायत का उतना कोशिश करेंगे कि विकास करें हम लोग। और हम कोई कमाने के उद्देश्य से नहीं है कि हमको 2 रुपया जो है कमा के रखना है, जनता का जितना काम कर सके हम जो उस लायक हो उनको वहां तक काम करके दे। सर हमारा जो गांव और समाज जो है वो नगर निगम में सर चेंज हुआ जी, जी। ना, वो नगर निगम में जो चेंज हुआ तो उसमें क्या आपको लगता है कि सर आप खुश है कि नहीं? जरूर खुश है जी, जरूर खुश है, यहाँ का जनता खुश है जी। देखिए जी, जी पहले गांव था कुछ जी, गांव में पवन की गिनती में आ गया, इसलिए विकास होगा, विकास का हमेशा साथ रहूंगा, गलत का हमेशा साथ नहीं दूंगा, जो जैसा है आप उसके लिए हमेशा न्याय करिए।